भोजपुरी सिनेमा की ताजा तरीन खबरों के लिए बिंदास भोजपुरिया के साथ जुड़े, ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान पर क्लिक करें। बिंदास भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सारी खबरें मुफ्त में पाएं। मैं इनके लिए नया हूँ। अच्छा। और बहुत ही अच्छा लगा, बड़े भैया रितेश ठाकुर जी हमको इस फिल्म में मौका दिए और अच्छे से सिखाए, बहुत कुछ हमको सिखाए भैया। नेहा जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों के केमिस्ट्री के बारे में, पर्दे पर कैसा रहा? जी बिल्कुल, पर्दे पे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और काफी टाइम बाद कोई गाने लोगों को पसंद आ रहे हैं। जैसे अपना गाना है अपना, चार भाई भी लेटे हुए और मैं धक्का देके गिराती हूँ। सर वो क्या नाम है गाना? चटनी जवानी पे, और दाल भात जो चोखा हमारे यहाँ बनता है और वो चटनी बनाना भूल जाते हैं, तो ये कैसे मुझे आगे थप्पड़ मारते हैं कि चटनी क्यों नहीं बनाई, वो सब है इस फिल्म में। गाना गाए तो मैडम उस पर काम की है। अरे की दाल भात बनवल रहनी, चोखा बनावे के ध्यान पर लेना, कि सही है चटनी हो करना, चट कनवा मर लेना। थोड़ा बाद मेरा लग गया है, कल दही खा लिए थे इसलिए सॉरी, इसको डिलीट कर दिया, फिर से मैं गा रहा था। गाना गाए थे हम, अरे की दाल भात बनवले रहनी, चोखा बनावे के ध्यानवा पर लेना, कि सहिया चटनी हो करना, ऐसे ये फिल्म में भी मुझे चाटा मार रहे हैं क्योंकि मैं दाल भात तो बना देती हूँ लेकिन चोखा बनाना भूल जाती हूँ, जो हर बिहार में बहुत फेमस है दाल भात। तो उस पे जो चटकना मरता है वो देख सकते हैं कि अभी भी मुझे पड़ा है। ये बताइए, फिल्म को निर्माण भी किया है, अभिनय भी किया है, जब कोई नए कलाकार को लेते हैं तो कितना चुनौती होता है, क्योंकि जो लोग होते हैं दर्शक होते हैं एस्टैब्लिशमेंट को देखना चाहते हैं। साथ में ये भी जोड़ेंगे कि सक्सेस के पीछे किसको मानती है ये पूरी फिल्म सक्सेस हुई, किसको? जी पहली बात तो प्रमोद जी फिल्म के लिए बेशक नए हो लेकिन प्रमोद जी ऑलरेडी शोज करते हैं, ऑलरेडी स्टार है बिहार के, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इनके साथ काम करने में। और सक्सेस की वजह यही है कि हमारी जो स्टोरी है वो बहुत मायने रखती है इस फिल्म में, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्रेडिट रितेश जी को जाता है जिन्होंने इतनी अच्छी स्टोरी को डेवलप किया और उसको अच्छे से प्रेजेंट किया। जो आज महिलाएं थिएटर में आ रही है, जो महिलाएं फिल्म देखने नहीं आती थी, आज वो लोग आ रहे हैं थिएटर में, तो ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। रितेश जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये कुछ पार्ट टू चना जोर गरम सक्सेस हुई है तो पार्ट टू भी दर्शक देख पाएंगे? जरूर देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। पार्ट टू पे तो ला के छोड़ा हूँ, जो मेरा क्लाइमेक्स है लास्ट में पार्ट टू पे ही छोड़ा, उसके आगे कहानी फिर आगे चलेगी। पार्ट टू का स्क्रिप्ट भी हम दो स्क्रिप्ट एक साथ बनाए थे, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट छोड़े सेकंड पार्ट देखने के लिए पब्लिक वहीं पे रुक जाता है कि आगे क्या होगा, जैसे बाहुबली में देखने को आपको मिलेगा। तो मैं प्रमोद से मिला था पहली बार, तो इसके अंदर एक स्पार्क सा लगा मेरे को, तो मैं बोला कि चलो इसको लेके काम करते हैं। कितनों लोगों ने बोला कि अरे कि आप स्टार पैदा करने का ठीका लियो, सिंगरों को फिर स्टार बनाने का ठीका लियो, मैं बोला ऐसा कोई नहीं होता, सब आदमी स्टार होता है। तो क्या अप्रिशिएट करना चाहेंगे दर्शकों को, जो जो उन्होंने इतना आपकी फिल्म को प्यार आशीर्वाद दिया? दर्शक तो मेरे भगवान हैं और दर्शक मेरी प्रोड्यूस की हुई फिल्मों को भी बहुत प्यार देते थे। जितनी फिल्में मैंने प्रोड्यूस किया 10 फिल्में, उसमें सारे दर्शक ने मेरी फिल्मों को बहुत प्यार दिया। उसी तरह उम्मीद थी कि मैं डायरेक्शन करूं तो फिल्म अच्छी करूं, और जितने भी 10 फिल्में बनाए उन सबको मसाला करके एक डायरेक्शन फिल्म करूं, तो किया तो पब्लिक ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया और बहुत पसंद किया। सबसे अच्छी बात ये है कि मेरी प्रोडक्शन की पहली फिल्म है, प्रमोद जी की रिलीज पहली फिल्म है और रितेश जी की भी पहली फिल्म है। मैं अपने क्षेत्र में पहले बार आ रहा हूँ, ये अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और ये निर्माण के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो रास रसोईया पागुरी तीनों आदमी लकी है हम लोग, और इन लोग की जोड़ी बहुत पब्लिक पसंद कर रही है, प्रमोद जी और नेहा जी की जोड़ी पब्लिक बहुत पसंद कर रही है, और हम लोग फिल्म दे रहे हैं उनको, पब्लिक को बना के देंगे जरूर। अब मुंबई में कब लग रही है और कितने थिएटर में लग रही है? 6 तारीख को मुंबई में 40 से 42 सेंटरों में रिलीज हो रही है, मुंबई और गुजरात, तो 40 से 42 सेंटरों में रिलीज हो रही है, और यूपी दिल्ली 26 तारीख को रिलीज हो रही है।